अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो के उठे हो? अभी सुबह का टाइम है और आज है 27 अप्रैल। मेरे लिए बड़ा स्पेशल डे है, आज है मेरी सालगिरह। मैं हो गई हूँ 40 साल। तो आज थोड़ा सा ना खुश भी हूँ, परेशान भी हूँ। 40 साल गुजर गए, क्या खोया क्या पाया? कुछ भी नहीं पाया, खोया ही खोया लगता है मैंने। तो दिन का आगाज़ हो गया हमारा, कल बहुत बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, हद ही हो गई थी। बिजली चमकी है कोई, मेरा बेटा मोहम्मद सभी डर गया, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा डर गया था। तो आज का स्पेशल डे स्पेशल करते हैं। कुंजा कुंजा आ गया, कुंजा कुंजा आ गया। मीठा कर दो, मीठा कर दो सबको, बोलो और गिन लो। हाँ जी, बहुत शो करते हो, बहुत शो करते हो बेबी। बस बस, चले जी दिन का आगाज करते हैं। बाल बाल बनाते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, आंखें भी स्वेल हुई नहीं है, पता नहीं क्यों हुई नहीं है। चले जी आगाज करते हैं। हाँ जी, नाश्ते की तैयारी शुरू हो गई है। मैं मुँह हाथ धो ली है, थोड़ा सा आंखों के नीचे वर्म भी कम हो गया। और पराठे बनाते हैं, दाल गर्म करके। कल मैंने बनाए थे आलू वाले चावल, मगर साथ ही चने की दाल भी पकानी थी। तो आज बाटी की बनाना है। और मुझे कहाँ से लेकर अब तक जिन जिस ने विश किया है उनके नाम बताती हूँ। सबसे पहले मेरी टीचर मिस समरा, जो मेरी स्कूल टीचर थी, ट्यूशन टीचर थी, स्कूल टीचर थी, ट्यूशन टीचर थी, स्कूल टीचर तो बाद में बनी थी वो। फिर उसके बाद, हाँ जी, फिर उसके बाद वजाहत। और सबसे पहले कौन हो सकता है? सबसे पहले सूरम, सूरम ने विश की थी। उन्होंने 6 बजे विश कर दिया था, उन्होंने कहा मगर वो लाया उसने वाले विश किया। फिर मिसम्रा ने, फिर वजाहत ने, फिर रुबाब ने, तैयबा ने, सब ने विश किया। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला मेरा साया मुझे औलाद पर सलामत रहे, क्योंकि औलाद के माँ बाप के बगैर औलाद बिल्कुल भी कुछ नहीं है, औलाद अधूरी है। क्योंकि अभी औलाद कहती है कि हम ये हैं हम वो हैं, मगर जब दोनों में से एक चला जाता है फिर औलाद को पता चलता है कि हाँ माँ बाप कोई चीज़ है। आ गया पाठा बांधो, आपने मुझे बर्थडे तो किया ही नहीं है तो पाठा क्यों बांध के दूँ? क्या मसला है? पाठा बांध दूँ, बांध दूँ, बना के ना दूँ, बना के ना दूँ, हैं? तो तुम इधर बैठ जाओ मेरे पास, यहाँ पे बैठ जाओ। टूटा क्या? टूटा पाठा बांध दूँ? किधर जाना तुमने? ये मुन्ना बेबी सा पाठा आपका बांध दूँ? ये मुट्ठा बीटी मीठा बीठा बिका कर दूँ? तो ये मोटा बिका बिका आपका हो गया पाठा। और क्या खाना है पाठे के साथ? क्या ई, क्या ई दाल है मेरे पास? तो ई नहीं है, ई दाल, दाल नहीं खानी? फिर क्या खाना है? पाठा खाऊंगा, पाठा खाऊंगा। मैं तो सोच रही थी आपको मैं डंडा खिला दूं। डंडा? हाँ डंडा, हाँ डंडा, हाँ डंडा पिठा। हाँ वो लिपिक लग गई हाथ पे, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, छोड़ दो। आटा बांटू? आटा बांटू किस के साथ? यस यस। मेरा बेबी कौन? नो यस। पंगे क्यों ले रहे हो फिर मेरे से? तुम कहते हो ऐसे टमाटे फिर खर जाते हैं तुम्हारे आटे पाटे।
इतना गंदा बेबी है ना ये, इतना गंदा टूटा क्या टूटा पाठा टूटा कौन आया भैया बाबा किधर है गंदे बच्चे गंदे बाज आ जा फिर वही हरकत मुझे आटा जाया करना सख्त ना पसंद है नहीं ये एक चमाटा है ना ये इधर से ऐसे आना इधर से ऐसे आना फिर इधर से ऐसे आना इधर ही बैठे रहना मैं ये रख के आई दाल को उठा दिया आपने क्या कह रही जी। क्या कह रही क्या पाठा बांध रही हाँ। मैं पाठा तो नहीं बांध रही हूँ मैं तो रोटी बांध रही हूँ मैंने सादे से बनाया पराठे नहीं हाँ तो घी नहीं है तो थोड़ा सा है तो उसके अंदर हमने गुजारा करना है उसके अंदर हमें खाना भी बनाना है रात का कुरम को कब मिलेगी पे खीर को पे मिलेगी तो खीर को ही हमारे घर पड़ोसी वगैरह सब कुछ आएगा ये देखें जी फिर कहते हैं इसके साथ तुम लोग ज्यादती करते हो इसके साथ तुम लोग ज्यादती के साथ अला बाबे अला बाबे मोहम्मद समीर पाठा खाऊंगा तो जब तुम पाठा खाओगे ना जब पाठा बनेगा तब तुम्हें खिलाऊंगी अभी तुम जाओ जाओ माशाल्लाह मुझे भूख लग गई है हाँ जी मैं जा रही हूँ घर खुरम को खाना देने गई थी उनको दोपहर का खाना नहीं मिला हाँ जी फातिमा साहिबा आ गई हैं हानिया को बुखार हुआ है मोहम्मद समीर को एमी हुआ है और यहाँ पे कौन सा मैं बारबेक्यू बना रही हूँ आज बर्थडे है ना उसकी खुशी में हाँ जी चिकन हो गया रेडी अब इसको बस कोयले की भाप देनी है और चटनियाँ बनानी है सलाद भी लेके आए मैं खुरम काफ़ी सामान इधर फैल गया भाई इनको इकट्ठा करती हूँ दही भी आ गया वह रायते शायते बनाते हैं अपना पार्टी शार्टी फिर करते हैं हाँ जी मैं मछली में ही खा रही हूँ मोहम्मद हसैन तुमने समीर तुमने तैरना मछली में इसमें तैरना समीर आजो मम्मी की तरफ जा रहे हैं थोड़ा सा काम था उधर मुझे इनकी जूती उतर गई आजो हाय हाय पापा किधर गए भागो भागो भागता भी नहीं है एक तो ये इसका चलना देखें जैसे भी नया नया चलना सीखा है चलो भागो भागो खुरम वो आगे जा रहे क्योंकि आज संडे है ना क्या हुआ बाबा जा रहे हैं कैरियाँ आ गई हैं कैरियाँ लिए हैं एक कैरी ली है चटनी के लिए तोरियाँ करेले लिया टमाटर मोहम्मद समीर घर की तरफ वापसी और जो काम था वो हो गया शुक्र अल्लाह का और खाला के धागे लेने थे और ये जो तूफ़ान गोद में है ना ये तो कहता मैं पैदल चलना ही नहीं है खुरम को कह रहा मुझे गोद में उठाओ हाँ जी समीर सो गया ये देखें कितना प्यारा माशाल्लाह लगता है सोते हुए गुफरू गुफरू सा तो यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ दुआओं में याद रखें अपना बहुत सारा ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़